देखिए त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और घर में हमें तरह तरह की चीज़ें बनानी होती हैं, तो मैंने ये एक नमकीन बनाई है, मठरी नमकीन है जो सेमे अलग तरीके से बनाई है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। तो ये कुछ मैदा है मेरे पास, 250 ग्राम के करीब मैदा मैंने मली थी दिखाने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी ही बनाई है मैंने, और इसके मैं 4-5 बॉल्स बना के रख लूँगी जितने भी बनेंगे इसमें, और इनको हम अच्छे से हाथों में मसल मसल के हथेली में इनकी लोई बना लेंगे, और इनको हम थोड़ी देर के लिए लोइयों को रख दिया था मैंने जिससे इजीली बेल जाएंगे फिर। और अब इनको बेल के हमने रोटी की तरह बेल लिया है गोलाई में, पर इनको अब हमें चारों साइडों से किनारे इनके कट करके निकाल देने हैं, क्योंकि हमें बीच का जो चौकोर पीस है वो चाहिए इसका, ये वाली मठरी बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम इनको निकाल देंगे, आप पिज़्ज़ा कटर से या किसी नाइफ की मदद से इसको काट सकते हैं, इजीली कट जाता है ये। और अब जो ये चौकोर पीस बचा है ना, इसको हम बेलन से थोड़ा सा और बेल लेंगे, थोड़ा सा और पतला कर लेंगे, और थोड़ी सी इसकी शेप लंबाई की साइड से थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और फिर हम एक चाकू लेकर और इसमें हम पट्टियाँ काटेंगे, इसकी जो सेमे बनाते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से इसकी पट्टियाँ काटेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे से नहीं कट कर रही हूँ मैं, सिर्फ सेंटर में से कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा ये पट्टियाँ कटेंगी उतनी ही खूबसूरत ये मठरी बनेगी। और फिर इसके दोनों सिरों पे हमने पानी लगा दिया है, और पानी लगा के मैं इसको, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा छिड़क दी है जिससे कि ये सब आपस में चिपके नहीं पट्टियाँ, और फिर इसको फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करके जो पानी लगाया था ना उसको अच्छे से चिपका दिया है, और फिर हमने फिर पानी लगाया है, फिर फोल्ड किया है, और फिर पानी लगा के फिर फोल्ड किया है। तो ऐसे करके 3 बार मैंने इसको फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। और इसकी दोनों साइड्स जो हैं मैंने अच्छे से दबा दी हैं जिससे कि वो चिपक जाएँ और छूटे ना घी में जाके। और फिर इसको जो हमने सेंटर की पट्टियों को सेंटर में से पकड़ा है हमने, आधी इधर और आधी इधर कर दी हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको हमने ट्विस्ट कर दिया। खाली ट्विस्ट करते ही देखिए कितनी सुंदर शेप बन के आ गई है इसकी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये अभी इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, पर ये जब हम इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद ये बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए सारी इसी तरीके से मैंने सारी ये बना के रख ली हैं, और एक साइड में मैंने ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। तो डीप फ्राई करने के लिए हमें गैस को मीडियम टू सिम पे रखना है, मतलब मीडियम से ऊपर नहीं जानी चाहिए गैस, सिम टू मीडियम ही रखनी है, और इनको धीरे धीरे पलट पलट के हमें सेकना है जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए और कच्चा ना रहे। ये देखिए इस तरीके से इसको धीरे धीरे पलटते जाएंगे और सेकते जाएंगे, और ये अब इनकी शेप भी देखिए क्लियर होती जा रही है ना, ये देखिए कितने अच्छी लगने लगी हैं अब ये, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं। और अब ये रेडी हैं बिल्कुल, मैं इनको निकाल लूँगी घी में से और सर्व करने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। तो आप भी बनाएं ज़रूर इस तरीके से।